दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। गरीबी का कारण ये पांच चीज़ें होती हैं, लक्ष्मी जी हो जाती हैं नाराज। दोस्तों स्त्रियों को घर के अंदर ये पांच काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में दुख और दारिद्रता आता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती, ऐसे घर से रोटकर चली जाती हैं। दोस्तों हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिवजी और माता गौरी का रूप माना जाता है। शिवजी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धनारेश्वर हैं। ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी भी एक दूसरे के अभिन्न अंग होते हैं, इसलिए पत्नी को अर्धांगनी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पत्नी का भाग भी पति के साथ जुड़ा होता है। पत्नी के कर्म, यज्ञ, धर्म, कार्य, पुण्य आदि का फल पति को प्राप्त होता है और उसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए गलत कर्मों का भुगतान पति को भी सहन करना पड़ता है। हमारे हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है, किंतु कुछ महिलाओं के गलत वर्ताव से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर से चली जाती हैं। ऐसे घर में उनकी ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती हैं और आपको भी आपके घर में कुछ ऐसे प्रतीत होने लगा तो इन गलतियों को तुरंत सुधार लें, अन्यथा आपको भी इनके बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अलक्ष्मी के घर में आने से क्लेश और बीमारियां बढ़ने लगती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कि ऐसे कौन से काम हैं जो घर की महिलाओं को भूल से भी नहीं करने चाहिए। पहला काम, घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खुले रखकर घर में नहीं घूमना चाहिए। कई घरों में महिलाओं को आदत होती है कि वो संध्या के वक्त अपने बाल संवारने लगती हैं और घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाल खुलकर घूमती हैं, पर ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। संध्या के समय केश खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी निवास नहीं करती। दूसरा काम, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते, गप्पे लड़ाते या भोजन करते देखा होगा, किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर औरत बने रहना ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं और मुख्य द्वार पर ही महिलाएं रास्ता रोककर बैठ जाएं तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती हैं। और इस बात का भी अवश्य ख्याल रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और साफ सुंदर रखना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होकर प्रवेश करें। तीसरी बात, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती हैं। आपको बता दें कि अगर घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद भी सोती रहती हैं तो घर में आई बरकत भी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कृपया प्रातःकाल सवेरे उठकर ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लें और घर में धूप दीप करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। चौथी बात, रात को या हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, इसी कारण ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखें और झूठे बर्तन को रात को ही साफ कर दें या ऐसा कर दें कि यानी बिल्कुल ही साफ सफाई करके ही सोएं। ऐसा अगर नहीं कर पाएं तो झूठे बर्तनों को रसोई से बाहर रखें। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि घर की महिलाएं झूठे बर्तन में खाना ना खाएं और दूसरों को भी ना परोसें। पांचवी बात, पत्नी प्रेम, सहनशीलता, त्याग, ममता और त्याग मूर्ति मानी जाती है, यानी कि पत्नी को प्रेम, सहनशीलता, त्याग, ममता और त्याग का ममता रूपी मूर्ति मानी जाती है, किंतु कुछ महिलाओं की वाणी अत्यंत कटु और क्लेश पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही शिकायत करना और मनमुटाव जैसी प्रवृत्तियां स्थापन होने लगती है और जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदैव ही क्लेश बना रहता है उस घर में माता लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लग जाती है, जिससे घर की सुख समृद्धि, वैभव, सकारात्मकता और भक्ति घर से दूर जाने लगती है। कृपया घर में आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, इससे घर की बरकत में वृद्धि हो जाएगी। छठवीं बात, जिन घरों में द्वार पर आए भिक्षुक का तिरस्कार किया जाता है ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। अगर आज के आपके द्वार पर आए भिक्षुक का अपमान होता है या उन्हें कुछ भी न देकर वहां से भगाया जाता है, इसके अलावा द्वार पर आई गाय को बिना रोटी खिलाए ही भगाया जाता है, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि और शांति दूर चली जाती हैं।
माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को कभी भी बिना श्रृंगार सुना नहीं रहना चाहिए। घर की बुराई और शिकायत दूसरे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में धूप दीप करना कभी भूलना नहीं चाहिए और बात बात पर अपने पति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय माँ लक्ष्मी।